खबर गोरखपुर से है, जहां पर इंडिया गठबंधन के बासगांव के लोकसभा प्रत्याशी सदल प्रसाद का देवीपुर आवास पर सपा जिला सचिव अमरीश यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। तो वहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से लादकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वह जुमला है। 10 वर्षों से सिर्फ जुमले से सरकार चल रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगार युवक परेशान है, राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान सरकार उन समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है, जनता इस बार इंतजार कर रही है। वहीं सदल प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार के वादे खोखले हैं, जो यह कहती है वह करती नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन होने के बाद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय श्री सदल प्रसाद जी को बांसगांव से उम्मीदवार बनाया गया। नेता के निर्देश पर श्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर लोकसभा बांसगांव में सबसे पहले हमने बड़े नेताओं को, जिले स्तर के नेताओं को, विधानसभा स्तर के नेताओं को और वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा बांसगांव स्थान कोलीराम में एक बड़ा कार्यक्रम कर लिया, आपस में तालमेल बैठा लिया। उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी आती है विधानसभा लेवल पर, तो हमने बांसगांव चौरी चौरा कर लिया मीटिंग विधानसभा लेवल पर वरिष्ठ नेताओं के साथ। आज जो हम चौरी चौरा विधानसभा में की है, सबसे पहले हम लोग जो तालमेल और संगठन गठबंधन है उसमें बड़े नेताओं से मेरी प्राथमिकता है कि उन लोगों को आपस में तालमेल बैठाएं और तालमेल बैठा करके जो संगठन है, संगठन का हम जिम्मेवारी लेते हुए हम और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दोनों लोगों ने तय किया कि पहले संगठन को पूरी बारीकी से समझ लिया जाए, जो खामियाँ हैं उसको दूर कर लिया जाए। खामियाँ रहे नहीं, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अच्छी बात यह है कि बांसगांव के जो उम्मीदवार हैं आदरणीय सदन प्रसाद जी सदन हैं, और सदन प्रसाद जी काफ़ी सरल हैं, विनम्र हैं, लोगों में इनकी अच्छी पकड़ है, हर जात धर्म में पकड़ है, सब लोग इनको इज्जत करते हैं। इनके लिए एक चीज़ जरूर है, किसी को चुनाव लड़ने के लिए सिंबल का होना जरूरी है, पर इनके लिए सिंबल मायने नहीं रखता है, अपने आप में हर आदमी के घर में बैठे हुए हैं, हर लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। ये पहली बार होने जा रहा है कि लोकसभा बांसगांव में सदल जी के लिए, गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जाति धर्म, जाति टूट जा रहा है, गठबंधन जाति टूटेगा, धर्म की रानित करने वाले उनका वो टूट जाएगा, अहंकार टूट जाएगा, पार्टी के जो पार्टी का गठबंधन व्यवहार वो भी टूट जाएगा, और सदर जी के लिए सब लोग हर गांव में हर मोहल्ले में। सदर जी की बात कर रहे हैं, सदर जी कई बार विधायक रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी रहे, मंत्री भी रहे, तो बीच में गैपिंग भी रही है, तो इस गैपिंग को क्या सदर जी पूरा कर पाएंगे? जो गैपिंग हुई है, देखिए सच ये है कि जो आदमी चुनाव लड़ता है, कई बार पराजय होने के बाद कई बार होता है ऐसा मनोबल थोड़ा टूट जाता है, लेकिन जनता की भारी डिमांड है सदर जी के लिए, हर क्षेत्र से डिमांड है कि सदर जी ही कई बार हार चुके हैं, इस बार जनता ने कहा कि अब की पारी सदर जी को हम हारने नहीं देंगे बल्कि पार्लियामेंट में भेज के रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करूंगा, लेकिन क्या इस बार इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, और क्या जो है इंडिया गठबंधन जो किस किन किन विषयों पर चुनाव लड़ने के लिए आई है? देखिए मोदी जी ने हर समय एक गांव में कहावत है गिरगिट, हर चुनाव में मोदी जी गिरगिट का रंग बदलते हैं, नया नया जुमला, नया नया नारा लेके आते हैं। पहली बार जब 2024 में चुनाव लड़ने आए थे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, एक एक व्यक्ति खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, फिर उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई पूरा नहीं हो गया, अलग अलग करते करते आज इस मुकाम पर 2024 में गारंटी लेके आए हैं। वो कौन सी गारंटी है? आपने कहा एक व्यक्ति खाते में 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ दिए आपको? तो गारंटी अभी खत्म हो गई। आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे देशवासियों को, जो पढ़े लिखे रोजगार लोग हैं, तो वो भी गारंटी खत्म हुई। आप जो कहते हैं आप खुद ने उस पर खरा उतरते हैं। 2000 की नोट आपने शुरू करी थी, भारत के लोगों ने नहीं कहा था, 2000 की नोट मोदी जी ने छपवाई थी और 2000 नोट को उन्होंने बंद करवा दिया। तो वो आप जो कह रहे हैं वो क्या उसकी गारंटी वो पूरा करेंगे? देश सवाल पूछ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन जो है इन सब विषयों से चलवट के ऊपर हिस्सा लेगी कि उन्हीं विषयों को भी इस बार चुनाव में जो है लगे? इस बार की जो रणनीति इंडिया गठबंधन के शीर्ष शीर्ष नेतृत्व ने बनाया उससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बहुत परेशान है। यही कारण है
इतना परेशान है कि जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 पार, एक तो 400 सीट लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं तो फिर जो देश के अंदर प्रमुख प्रमुख नेता है, केजरीवाल जैसा व्यक्ति, तो हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति, और जिस देश में क्या विपक्ष को खत्म कर देंगे आप? ऐसा तो कभी नहीं होता कि विपक्ष को, विपक्ष कराना बहुत जरूरी है, लेकिन ये विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के माध्यम से आए दिन छोटा कर करता है थाने से, और बड़ा कर करता है तो उसको तहसील से, और जाएंगे तो जिले से, उसके ऊपर जाएंगे प्रदेश पर तो ईडी और सीबीआई से। ऐसे देश नहीं चल सकता है। यह देश में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। किसानों को लेकर विशेष क्या है? किसानों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कि जो एसपी का जो मामला है उस पर सरकार बनने पर, इंडिया गठबंधन बनने पर उसकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी, पाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। वो गारंटी 2024 में जबरदस्त ढंग से टूटने जा रही है। जैसे तीन बार हैट्रिक मारने वाले सांसद यहाँ से कमलेश पासवान जी हैं, क्या आप इस बार उनको मात दे पाएंगे? संसदीय क्षेत्र में जो मैं चल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, इस बार क्षेत्र की जनता ने जिन्होंने हैट्रिक लगाया, लगातार तीन बार जीत हासिल की, इनका 15 साल का हिसाब मांग रही है। और इन्हीं बार का नहीं, जो इनसे पहले 5 साल इनकी माता श्री रही उसका भी हिसाब मांग रही है। बात यहीं तक नहीं, जो इनके जो अनुज है, जो बासगांव से विधायक है, दूसरा कार्यकाल 7 साल पूरा हो चुका, 8वें साल में प्रवेश कर गए हैं, उनका भी हिसाब मांग रही है कि सभी लोग बासगांव विधानसभा क्षेत्र से और संसदीय क्षेत्र बासगांव से अब तक प्रतिनिधित्व किए, इस 20 साल में आप और आपकी मां ने क्या किया, इस क्षेत्र की जनता को बताएं, फिर हम मतदान करें। क्या मुद्दा रहेगा बांसगांव के चुनाव में अगली बार आपका, क्या मुद्दा रहेगा? आप सभी लोग बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, आप सभी लोगों से पूरे देश की उम्मीद रहती है कि देश को दिशा देंगे। लोकसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ा जाता है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे को लेकर के लड़ा जाता है। देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था क्या दे सकते हैं? 10 सालों में विगत जनता जो कुशासन से कराह रही है, ऊह तक नहीं कर पा रही है, उसको राष्ट्रीय गठबंधन के नेताओं ने समझा है, परखा है, और समझने और परखने के लिए कश्मीर से लगाया कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे, जो इन्होंने हर घर में नफरत का बवंडर तैयार कर दिया है। राष्ट्रीय नेता, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन पर इस देश और पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद करके जो 4000 किलोमीटर का पैदल मार्च किया, देश की भावना को समझने का प्रयास किया, देश की कराह को सुनने का प्रयास किया, बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6000 किलोमीटर का यात्रा करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, पूरे देश के लोग जानते हैं,
जैसे मोदी जी के जितने कार्यकर्ता हैं, पूरी हो जाने दें, पूरे देश के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोगों का भरोसा यदि अटूट और अडिग रहता है इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान गोगोई साहब, उनका जो जजमेंट रहा, वो जजमेंट किसके हक में सुनाए, किसके पक्ष में सुनाए, इस देश की जनता ने जान भी लिया, समझ लिया, रिटायर होने के बाद सम्मान के साथ में केंद्र में जो जालिम सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको राज्यसभा में भेज करके सुशोभित करने का काम किया माननीय गोगोई साहब। सीजीआई जो रहे हैं इस बार, जो है भाजपा के लगभग जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, चाय पे राजनीति कर रहे हैं, क्या इस बार लगता है भाजपा चाय पे राजनीति करेगी या विकास के कार्यों की? उनकी चाय की राजनीति का भी खुलासा हो चुका है। जैसे मुंबई में धोबी तालाब है, मुंबई का धोबी तालाब देखो, धोबी तालाब नाम का स्थान है, लेकिन वो तालाब इतने दिन कहीं लापता है, कहीं है ही नहीं है। ठीक इसी तरह से इस देश का प्रधानमंत्री जो कहा कि हम चाय बेचते थे, कहाँ बेचते थे, जिस स्टेशन का हवाला देते हैं उस स्टेशन की उत्पत्ति ही 20 साल बाद हुई थी, उनका झूठ देश की जनता ने पकड़ लिया है, जान लिया है। ईडी सीबीआई के भय से लोग इसमें बोल नहीं रहे, क्या कहेंगे? जब अंग्रेजों का जालिम जुल्म था तब इस देश के लोगों ने भय की परवाह नहीं की। ये सवाल, इस देश को जो बेहतर बनाना चाहते हैं, सुंदर भारत बनाना चाहते हैं, इस देश को अखंड रखना चाहते हैं, समरसता में विश्वास रखते हैं, विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, वो अपने आप को कुर्बान कर देंगे, भय उनके सामने कोई माने नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या राय? इंडिया गठबंधन के बहुत सच्चे और पक्के सहयोगी हैं और ये पूरा देश और पूरे दुनिया के लोग इस बात को भली बात से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।